हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, ये रेडमी का A3 है जिसमें FRP लॉक लग गया है, मतलब गूगल अकाउंट लॉक लग गया है। क्योंकि जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जीमेल आईडी सेंड करने बोलता है, जो हम लोग को नहीं मालूम है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसका गूगल अकाउंट बाईपास कैसे करते हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ स्टार्ट पर टैप करेंगे। अब यहाँ इंडिया टिक किया हुआ है, आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ नीचे में टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर स्किप करेंगे। अब यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करने बोल रहा है। फ्रेंड, अगर आपके घर में कोई दूसरा फोन है तो उसमें हॉटस्पॉट स्टार्ट करें और इस फोन से एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर ले, ताकि इस फोन पर इंटरनेट चालू रहे। अगर आपके घर में कोई दूसरा फोन नहीं है तो आप इस फोन में सिम कार्ड लगा के भी नेट चला सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये वाईफाई नेटवर्क का जो पासवर्ड है हम लोग डाल दे रहे हैं। आप जो वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कीजिएगा, आप उसका पासवर्ड डाल के वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग पासवर्ड डाल दिए हैं, आप कनेक्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो गया, यहाँ से ऑटोमेटिक आगे बढ़ गया है। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आने में 1-2 मिनट लगेगा, तब तक हम लोग को वेट करना है। तो फ्रेंड, आपको मैं वीडियो देखने में कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड, थोड़ी देर के बाद हमारे फोन किस तरह से आ जाएगा, यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है डाउन कॉपी, इस पर हम टाइप कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड लॉक मांग रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर वही पासवर्ड लॉक डालने बोल रहा है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। अगर आपको पता है तो यहाँ पे डाले, आपका फोन इस आगे खुल जाएगा। पूरा पासवर्ड लॉक मुझे पता नहीं है, और दूसरा कोई पासवर्ड लॉक डाल के जब हम इसे अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो वह रॉन्ग पिन लिख के आता है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीचे में लिखा हुआ है यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टा, इस फोन में टैप कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे जीमेल आईडी सेंड करने बोल रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर वही जीमेल आईडी सेंड करने बोल रहा है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है वेरीफाई योर अकाउंट। अगर आपको जीमेल आईडी पासवर्ड पता है दोस्तों, तो यहाँ पे डालें, लॉगिन करें, आपका फोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पूरे जीमेल आईडी पासवर्ड मुझे पता नहीं है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं लॉक का सिंबल बना हुआ है, और जब हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए आज मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके आपको दिखाता हूँ। उसके लिए अब हम लोग को बैक आ जाना है, और बैक आएंगे पूरे स्टार्ट मेन्यू में आ जाएंगे जहाँ से हम लोग शुरू किए थे। तो धीरे धीरे करके बैक आ जाएंगे। आ गए बैक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे में लिखा हुआ है विजन सेटिंग, इस पर हम लोग टैप करेंगे। अब यहाँ नीचे में टॉलबैक लिखा है, इस पर टैप करेंगे। अब यहाँ यूज टॉलबैक लिखा हुआ है, इसे हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। अब हमारे फ़ोन पे टॉलबैक ऑन हो जाएगा। टॉलबैक ऑन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ स्क्रीन पे उल्टैल बनाएंगे। चलिए उल्टैल बना लेते हैं, नहीं काम किया, फिर से बनाते हैं, अभी भी नहीं काम किया, फिर एक बार बनाते हैं, नहीं काम किया। तो क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ नीचे क्लोज पे टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे। अब यहाँ भी नीचे क्लोज पे टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे। अब यहाँ ऊपर अलाउ पे डबल टैप करेंगे, नीचे बैक पे टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे, और एक बार बैक पे टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट मेनू में आ गए हैं। अब यहाँ देखिए नीचे में आपको इमरजेंसी कॉल दिख रहा है, इस पर हम लोग टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ नीचे में डायल पैड दिख रहा है, इस पर हम लोग टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे। अब हम लोग के सामने में इमरजेंसी कॉल का डायल पैड खुल गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग नंबर डायल करेंगे 112। उसके बाद यहाँ कॉल पे टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे। जैसे यहाँ पर कॉल होगा, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर हम लोग को टैप करके डबल टैप करना है, पर दिखा नहीं, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग ट्राई करेंगे। चलिए डायल कर लेते हैं 112। फिर से कॉल पे टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे। जैसे कॉल लगेगा, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम लोग टैप करके डबल टैप करना है जल्दी से, पर हम लोग का ऑप्शन नहीं खुला, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग ट्राई करेंगे 112। ठीक है, डायल कर दिए। अब यहाँ नीचे कॉल पे टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे। यहाँ कॉन्टैक्ट दिख रहा है, इस पर टैप किए, डबल टैप किए, तो देख सकते हैं कॉन्टैक्ट खुल चुका है। अब क्या करेंगे, टॉल बैक को ऑफ कर लेंगे, पर यहाँ पर हम लोग का बैक हो गया है। फिर से हम लोग इमरजेंसी कॉल का डायल पैड पे आ गए हैं। फिर से हम लोग यहाँ पर डायल करेंगे 112, कॉल पे टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे, फिर से यहाँ कॉन्टैक्ट पे टैप करके डबल टैप करेंगे। खुल गया कॉन्टैक्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ नीचे ऐड लिखा है, इस पर हम लोग टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा है यूज विदाउट इंटरनल स्टोरेज, इस पर हम लोग टैप करके डबल टैप करेंगे। अब हम लोग सामने इस तरह से खुल जाएगा। अब क्या करेंगे, टॉल बैक को ऑफ कर लेंगे। तो वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, ये दोनों बटन को हम लोग को एक साथ दबा के रखना है। पर यहाँ पर फिर से बैक हो गया है, लेकिन इस बार हम लोग कॉन्टैक्ट में आए हैं। फिर से यहाँ ऐड पे टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे। ठीक है, अब चलिए टॉल बैक को ऑफ कर लेते हैं। तो वॉल्यूम अप और डाउन बटन को हम लोग एक साथ दबा के रखे रहेंगे, दबाए रखेंगे। अब यहाँ टर्न ऑन लिखा है, इस पर टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे। फिर से हम लोग एक बार वॉल्यूम अप और डाउन बटन को एक साथ दबा के रखे रहेंगे। चलिए दबा देते हैं। जैसे दबाएंगे यहाँ पर टॉल बैक ऑफ हो जाएगा, देख सकते हैं टॉल बैक ऑफ हो चुका है।
अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं नेम लिखा हुआ है इस पर मैं टैप करेंगे और कुछ भी यहाँ पे एक नेम लिख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ABCD लिख लिए हैं। अब यहाँ नीचे मोबाइल लिखा हुआ है इस पर मैं टैप करेंगे, यहाँ पे एक नंबर डायल कर लेंगे 121 कर दिए। अब हम लोग इसे सेव कर देंगे तो ऊपर में आपको सेव वाला आइकॉन दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे, सेव हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर में 3 डॉट दिख रहा है, इस पर मैं टैप कर देंगे। अब यहाँ देखिए नीचे में दिख रहा है शेयर, इस पर मैं टैप करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फाइल, इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने में इस तरह से खुल जाएगा। अब हम सिलेक्ट करके ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको शेयर में दिख रहा है, इस पर मैं टैप करेंगे, एग्री करेंगे, यहाँ नेक्स्ट करेंगे, यहाँ अलाउ करेंगे, फिर से अलाउ करेंगे, यहाँ भी अलाउ करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। QR स्कैनर खुल गया। अब क्या करेंगे, इस फ़ोन को सेट कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा फ़ोन ले लेंगे, कोई भी एक दूसरा फ़ोन ले ले। तो मेरे पास रेडमी का फ़ोन है, इस फ़ोन को मैं ले लिया हूँ। अब क्या करेंगे, अपने इस फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पर सर्च बार पर टैप करेंगे और पहला एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, एक्टिविटी लॉन्चर। चलिए फटाफट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एक्टिविटी लॉन्चर। एक्टिविटी लॉन्चर लिख के सर्च करेंगे, एक्टिविटी लॉन्चर लिख दिए। अब सर्च कर देंगे। अब यहाँ ऊपर में आपको एक्टिविटी लॉन्चर दिख रहा है ग्रे कलर का, इसे हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। अब ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, अब ये ओपन हो रहा है, पर इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। हो गया। अब यहाँ नीचे ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, पर हम लोग को ओपन नहीं करना है। अब क्या करेंगे, एक बार बैक आएंगे, यहाँ ऊपर में सर्च बार में टैप करेंगे, पहले से जो लिखा है उसे कट करके हटा देंगे। अब हम लोग दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, शेयरमी, SHARE ME, शेयरमी लिख दिए। अब सर्च कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ ऊपर में शेयरमी का एप्लीकेशन दिखा रहा है। ये एप्लीकेशन इस फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है, सिर्फ अपडेट करने के लिए कह रहा है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर ले। मेरे फ़ोन में पहले से है, सिर्फ अपडेट करना है, तो अपडेट कर लिया हमने। अब यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ी देर में यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, आ गया ओपन का ऑप्शन। अब इस पर टैप करके इसे ओपन कर लेंगे। चलिए ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ एग्री करेंगे, यहाँ भी अलाउ करेंगे, यहाँ भी अलाउ करेंगे, अलाउ करेंगे, अलाउ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ऊपर इस रिसीप्ट में टैप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वाईफाई और ब्लूटूथ, ये दोनों को बारी बारी से टर्न ऑन करना है। चलिए बारी बारी से टर्न ऑन कर लेते हैं, हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ नीचे अलाउ पे टैप करेंगे, देखिए QR कोड खुल गया है। अब हम लोग अपने लॉक वाले डिवाइस से इस कोड को स्कैन कर लेंगे। अब ये दोनों फ़ोन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर समय लगता है, वेट करेंगे। अगर कनेक्ट नहीं होता है तो आपको फिर से रीट्राई करना है, लेकिन अगर एक बार में कनेक्ट हो जाता है तो अच्छी बात है। थोड़ा सा वेट करेंगे, देखिए कनेक्ट का ऑप्शन आ गया, टैप कर दिए। अब ये दोनों फ़ोन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, हो गया कनेक्ट। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ नीचे शेयर फाइल पे आएंगे। यहाँ ऊपर में आपको ऐप दिखेगा, इस पर टैप करेंगे। यहाँ पहला नंबर में आपको दिख रहा होगा एक्टिविटी लॉन्चर ऐप, इस पर टिक करेंगे और इसे हम लोग सेंड कर देंगे। जैसे सेंड करेंगे ये एप्लीकेशन हमारे इस फ़ोन में आ जाएगा, देखिए आ चुका है। अब यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ है, इस पर टैप करके इसे इंस्टॉल कर लेंगे। अब ये एप्लीकेशन हमारे लॉक डिवाइस में इंस्टॉल हो गया है, अब रन कर देंगे, ठीक है। यहाँ ओके करेंगे, अब यहाँ लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो दिखने में कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। लोडिंग हो गया, अब यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एंड्रॉयड सेटअप, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। अब यहाँ स्लाइड करके नीचे आएंगे, यहाँ देखिए सभी पे सेटिंग का आइकन बना हुआ है पर एक पे नहीं बना हुआ है, तो इसी पर हम लोग को टैप करना है। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, अब यहाँ से नीचे स्टार्ट पर टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ स्किप करेंगे। अब यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क डिसकनेक्ट हो गया है, तो हम लोग यहाँ फिर से वाईफाई नेटवर्क पर टैप करेंगे, देखिए कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है, वेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ भी नेक्स्ट करेंगे, यहाँ नो केबल पर टैप करेंगे, यहाँ कॉपी विदाउट केबल पर टैप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूज माय गूगल अकाउंट स्टाइल, पे हम लोग टैप कर देंगे, वेट करेंगे। अब यहाँ से भी नेक्स्ट करेंगे, यहाँ भी नेक्स्ट करेंगे,
ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अपने दूसरे फ़ोन में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इस फ़ोन में नीचे होम का की दबाएंगे। अब हम लोग आ जाएंगे गूगल सर्च में, गूगल सर्च पे टैप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेटअप माय डिवाइस। चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सेटअप माय डिवाइस। सेटअप माय डिवाइस लिख के सर्च कर देंगे, लिख दिए, अब सर्च कर देंगे। अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, यहाँ नीचे नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो देख सकते हैं ये डिवाइस सर्च कर लिया है। अब यहाँ नेक्स्ट कर लेंगे, यहाँ कॉपी लिखा, कॉपी पे टैप करेंगे, इस फ़ोन का लॉक डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ ऊपर में लिख रहा है कॉपी योर अकाउंट। अब इस फ़ोन में जो जीमेल आईडी पासवर्ड है लॉगिंग, वो इस फ़ोन में ऑटोमेटिक लॉगिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी हो रहा है, हम लोग को वेट करना है। यहाँ पे कॉपी होने में थोड़ा समय लगता है, हम लोग वेट करेंगे। मैं अपने वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आने वाला है। अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बारी बारी से सभी पे हम लोग अनटिक करेंगे, सिर्फ एक को छोड़ देंगे, डिवाइस सेटिंग को। देखिए सब पे अनटिक कर दिए, सिर्फ डिवाइस सेटिंग को छोड़ दिए हैं। अब हम लोग कॉपी पे टैप कर देंगे, यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ नीचे मोर में टैप करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ गूगल पे टैप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ नीचे स्किप दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे, स्किप पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे स्लाइड करके नीचे आएंगे, यहाँ भी स्किप दिखेगा, स्किप करेंगे, यहाँ भी स्किप करेंगे, वेट करेंगे। अब यहाँ नीचे नो थैंक्स पे टैप करेंगे, यहाँ पे कॉपी होने लगेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉप कॉपिंग, इस पर हम लोग टैप कर देंगे, यहाँ स्टॉप कॉपी पे टैप कर देंगे। उसके बाद यहाँ डन पे टैप कर देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ हम लोग वापस फिर से मेन्यू में आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट पे टैप करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगे टिक करके, यहाँ स्किप करेंगे, वाईफाई नेटवर्क नेट है, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ फिर से हम लोग नेक्स्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर अकाउंट लॉगिंग हो चुका है इस फ़ोन में, दिखा भी रहा है, नेक्स्ट कर देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। फिर से यहाँ मोर पे टैप करते हुए एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ स्किप करेंगे, यहाँ कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ स्लाइड करके नीचे आएंगे, स्किप करेंगे, यहाँ भी स्किप करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ नो थैंक्स करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, गेट रेडी लिख दिया है, यहाँ थोड़ा समय लगेगा, हम लोग वेट करेंगे। दोस्तों आपको मेरा वीडियो देखने में कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद देखिए हमारा फ़ोन खुल चुका है, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है। क्या प्रॉब्लम है, देखिए नोटिफिकेशन नहीं खुल रहा है, ठीक है, और नीचे में आपको यहाँ पर देखिए सिर्फ बैक का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ देखिए बैक का ऑप्शन दिख रहा है, पर होम का ऑप्शन और ऑप्शन वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब इसको क्या करना है, पहले हम लोग ये दूसरे फ़ोन को हटा देते, इसका काम हो गया। अब हम लोग इस फ़ोन के सेटिंग में आ जाएंगे, चलिए सेटिंग में चल जाते हैं। और सेटिंग में जाने के बाद स्लाइड करके नीचे आएंगे, यहाँ सिस्टम पे टैप करेंगे, यहाँ सबसे नीचे में आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा रीसेट ऑप्शन, इस पर टैप करेंगे। यहाँ नीचे दिख रहा होगा इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट, इस पर टैप करेंगे। अब यहाँ इरेज ऑल डाटा पे टैप करते रहेंगे, ठीक है, अब हमारा फ़ोन जो है फैक्ट्री डाटा रीसेट हो जाएगा। जब हमारा फ़ोन थोड़ी देर के बाद खुलेगा तो हमारे फ़ोन से ये प्रॉब्लम भी हट जाएगा। फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है, हम लोग वेट करेंगे। मैं अपने वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, थोड़ी देर के बाद हमारा फ़ोन इस तरह से खुल जाएगा। अब हम लोग यहाँ फिर से स्टार्ट पे टैप करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे, यहाँ टिक करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ स्किप कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, अब यहाँ नीचे सेट ऑफलाइन पे टैप करेंगे, यहाँ कंटिन्यू करेंगे,
यहाँ नेक्स्ट करेंगे, मोर पे टैप करते हुए एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ स्किप करेंगे, यहाँ भी स्किप करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। तो दोस्तों हमारा फ़ोन जो है वो कंप्लीट FRP अनलॉक हो चुका है, अब हमारा मोबाइल जो है वो खुलने वाला है। थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारा फ़ोन खुल जाएगा। अब हम लोग डिस्प्ले का लाइट जला लेते हैं, तो देख सकते हैं हमारा मोबाइल खुल चुका है। अब स्वैप करेंगे, अब देखिए यहाँ पर सभी चीज़ का ऑप्शन आ चुका है और ऊपर नोटिफिकेशन भी खुल रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग इस फ़ोन का गूगल अकाउंट को बाईपास करते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, गुड डे।